लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को राजघाट थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडे ने अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र के अमृतानी बगीचे में पहुंचकर निष्क्रिय पड़ी दर्जनों भट्टियों को तोड़ा, साथ ही भारी मात्रा में लहन नष्ट किया। इस दौरान पुलिस ने राजघाट थाना क्षेत्र के हाबड़ बंधे से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो पीठ पर एक प्लास्टिक की बोरी लेकर आ रहा था। बोरी खोलकर देखा गया तो उसमें प्लास्टिक के कई छोटे छोटे पाउचों में लगभग 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। युवक की निशानदेही पर चकरा अव्वल के रहने वाली एक महिला के घर तलाशी ली गई, जहां बेसमेंट में बने एक कमरे में प्लास्टिक की बोरी, कंपनी सील पैक व सोडियम कार्बोनेट, एक अनसील पैक बोरी जिस पर अमोनियम सल्फेट, 3 प्लास्टिक की बोरी में महुआ, नौसादर और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। छापेमारी के दौरान थाना प्रभारी राजघाट राजेश कुमार पांडे ने बताया कि अवैध कच्ची शराब और उसके कारोबारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। पकड़े गए दोनों आरोपियों के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा, बस उठा लीजिए, उठा लीजिए, बह जाएगा वो। एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार एसपी सिटी साहब की देखरेख में विशेष अभियान 3 दिन का चल रहा है। सर्किल के तीनों थालों पर निरंतर अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में आज थाना राजघाट पर एक अवैध शराब के कारोबार में संलिप्तता रही मंजू देवी की पुत्री माला 50 लीटर कच्ची शराब अपमिश्रित और 3 बोरा महुआ लहन के साथ गिरफ्तार की गई है, जिन्हें आज जेल भेजा गया है। और इसी तरह से कल कोतवाली में भी करीब 100 लीटर इसी तरह कच्ची शराब बरामद हुई थी और जिसे भी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। थाना तिवारीपुर द्वारा भी एक विशेष टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, इस पर निरंतर कार्रवाई की जाएगी जब तक कि ये अवैध शराब के कारोबारियों की कमर टूट नहीं जाएगी और नस्तनाबूद नहीं होगा ये अवैध शराब का धंधा, तब तक ये अभियान जारी रहेगा।